अरे रानी साहब, पति महाराज रानी के प्रणाम आपको। अरे चरणजीत राव, आपने इतने जल्दी में क्यों बुलाया मेरे लिए? महाराज कहिए, आपके लिए कुछ पता है? नहीं, मुझे तो दरबार की मालूम है और आपके रनवास की मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है महाराज, मैं आपके लिए बताती हूँ। हाँ बताइए। सुनिए, कहिए। इन मास्टर गुरु शांति से अरे पड़के अरे योग बिटरिया पिया हो गई संकल हो गई संकल दीप में रसिया बरके अरे योग अरे बिटिया को बुलवाता हूँ बांधी भेज कर और अपने बेटी के दिल दिखाता हूँ। घरी और मुहूर्त चंदा और सूरज केतु और मंगल घरी बढ़िया सब घरी सजवा कर और मैं नाई ब्राह्मण पे और लड़की के लगन दिखवाता हूँ। ठीक है महाराज, आप बैठिए रानी साहब। बहुत अच्छे महाराज। तो देखिए, इस बात को राजा ध्रुवपाल पता नहीं था कि मेरी बेटी सियानी है। जब रानी ने कहा तो आगे क्या होता है? बड़े बढ़ाई ना करे
बड़े न बोले बोल हीरा मुख से कब कहे लाख टका है मूल। कहो रहीम के शहद बह बेर केर को संग बेर सपने डोलते तो भाई उनके फाटत सत जो जन सिसिया बसे कोई चंद्र बसे आकाश जैसी जागी भावना प्यारे ते सीता के। हेलो देखिए आपसे मेरा काम कहियो महाराज मैं तो आपकी सेवा की हमेशा हाजिर हूँ। आपसे काम है आप जाइए नाई और ब्राह्मण को और अपने साथ साथ लेके आइए यानी साथ साथ लेके हाँ पोती और पत्र अपने लेके आना है। अच्छा और कह देना अगर आया द्रोपाल ने तुम्हारे लिए दरबार बुलाया है और बहुत जरूरी काम। ठीक है महाराज आप बैठी जाइए। चलती रे है गई दासी पड़ती वो तो चाहे रही मेरी दैया दासी अपने समझाने अच्छा लोंडाई अपने लोंडाई ससुरार अच्छा नाती की नसार अच्छा कई भाई जगह तो एक ही भाई तो पंडित जी ना पंडित स्टैम्प कचौरी में बंद है कचहरी में बंद है क्या कचौरी बता रहे हो तो पंडित जी से मिलेगी हाँ मुझसे ना मिलेगी तुमसे मिल दूंगी तुम काम चलेगा दोगे लिखा दो काम देख रहे हो बाबा पंडित जी कहाँ गए पंडित जी गए उन्हें काटर पटिया टूट गई लेटर को सामान लेने गए ये तो आगे ना कितने देर में आगे आगे तब आगे पता मुझे तो कम चले तेरे चल जाएगा बोलो चल चलाना तैयार हो तो चलाऊंगा चला दोगे जब बता देखो नौकर रह जाता मालिक चले जाए तो बाहर नौकर के जिम्मे पूरा सबका सौंप जा दो तेरे जिम्मे जो काम है तो बा काम मैं कर सकता हूं कर दोगे अब एक बता तू आई कहां से मैं आई हूं महाराज के पास से नौकरानी हूं मैं नौकरानी हां नो छोड़ के का मुंह करना आई है अरे मैं हूं दासी लंगे बारे हमारे बाबा बैठे उनकी उनकी दादी है तू जो है को उनटू से लग के पैदा अरे मैं दासी नहीं हूँ अरे मैं हूँ बांदी तू तो जा
रांची नगर आप खुली फिर रही है, बंद करके न डालते ही यहाँ जो ना माने वे हाँ चोरो। अरे मैं बांधी ना हूँ, अरे मैं हूँ नौकर आये, यानी राजा की और रानी की टेल करने वाली। बोलते हैं बोलते हैं। तो टोनोक साल सीधी क्या क्या मैं चुगल घोर हूँ। तो ऐसे मालूम। अच्छा जे बता बाहर बाहर की बात भीतर कहना भीतर की बात कहना। अच्छा जे बता तुम काम लिखाते होगे। हाँ मैं लिखा दूँ। अब जे बता तेरे लिए अब जे बता काम चला देगे मेरे। एक बात बता तू न के ढोरे रह रही है बता एक महीने तेरे कितनी तनखा। मेरी तनखा है 15,000 एक महीना ही। हाँ और उन्हें छोड़ दे अगर मेरे ढोरे आया तो तेरा 50,000 काम का करवा वो ही। देख गेहूं में ना कटवाऊंगा, बाजरा में ना कटवाऊंगा, लेटा तो पे ना कटवाऊंगा, आलू तो पे ना खटवाऊंगा। हमारे महाराज कचहरी तावे घर को तो कोट उतार के अपने घुट्टी डाले उनको टोपा भीतर को फिर के समझ रही है कि 50,000 रुपया वसूल थोड़ो ना तो छप्पर बता रहे डाले जी में बोलना चाहिए। तो चले चलिए आप भी कहा तुम्हारे पंडित जी। पंडित जी पंडित जी पंडित जी मैं ही हूँ और नाई 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 अपनी खुली नोच रहा हूँ। अरे दोनों काम तुम्हें कर लेते हो दोनों काम। अरे मरे गए मैं नाई हूँ भी पंडित जी हैं। अच्छा पंडित जी को बुला रहा हूँ और आवाज साहब पलट जी मारा पलट जी क्या बात है हैं संग चलो चलो है वो काम है वो काम है कहाँ गो मैं डेढ़ घंटे ही रहेगा बस। चलिए फिर बोला तो है तहसील का उच्च है चलो वो कहाँ है चलिए चलिए चलो अगर फौज जाएगी तो भिक्षु के मारे बन पार रहे होगा ये शादी ना हो नहीं आवाज अरे सताई अरे लड़ाई क्षेत्र पे भाई ने हमारा सुनने की बात आ वो जगह तैयार है सगे भाई उस जगह पर कदम दे दे तो लड़के ही मर सकते हैं। वो जगह पर अभी दोष है कि होनी अगर होनी के चक्कर में फंस गए तो शादी हो गई। और ब्राह्मण जी ए ब्राह्मण और सतमी अरे लड़ाई सातमी होता यारे गड़ी की अरे भूता यारे गड़ी की रे भैया कछ ना रे लड़ाई सरहदार बाजे भूता यारे गड़ी के और पंडित जी नमी लड़ाई माल में तुम्हें अरे खेत अरे लग Yeah.
आगे क्या होता है? क्या होता है? ग्यारहवीं लड़ाई कौन सी है? अरे याठा यरे सी समेरे ब्राह्मणा लिख देओ तथा परंगा आज शीश नौ पर आजा यरे सी गुरु जी का लिख देओ अरे परंगा अरे दूला क्या फिर पार अरे साल की गुरु जी लिख दियो अरे लड़ाई लोड़िया को ब्याह करे तो लोड़िया राड कर रही हो तुम्हारे लिए नहीं पता है, समझे को काल सब काल बता जा रहे बता फिर बता लोड़िया ब्याह कैसे अब भाई और रह गया लिखने को क्या रह गया बताइए मैं कहूँ कुछ सुनो बताइए अगर घर और बर दोनों ही मिले तो लौट कर संगल दीप को आना अच्छा घर मिले और बर नहीं मिले और बर मिले घर नहीं मिले तो लौट के फिर भी नहीं ब्राह्मण को जल बच्चा से फांस महाराज हाँ अगर जो राजा सिक्का के लिए वापस कर दे तो उसके मुझे दस्तखत चाहिए महाराज एक बात और है आप कहते को लौड़िया राण करो अगर मुझसे चश्मा मिल जाएगा अगर इतनी सत्ता ओढ़ेगा राजा और बारात को लेके आएगा तो मेरी भी भारी पीठ आपका कहना जो है कि मुझसे 12 लड़ाई 13वीं लड़ाई जीत के आप बारात में घर लाभ है बिल्कुल और 100 गुना मुझसे ज्यादा होना चाहिए उससे घर उससे ज्यादा होना चाहिए और मुझसे ज्यादा है वही बारात लेके आएगा महाराज लड़की क्या साल की है लड़की 18 साल की लड़का 20 साल का होना चाहिए पहली बात तो महाराज हम ढूंढेंगे अच्छा 20 साल को खुदा कहता ना मैं लोग पहली बार तो मिल ही जाए वो हाँ ना मिलो तो कब बैर माते के पैदा करवा क्या पैदा हाँ पैदा करवाएगा खामोश पैदा करियो मिले हाँ छत्रानी बांध नहीं बांध मावला कर बड़ा लोड़ा 18 साल को और पैदा करवाने को होएगा तब तक लोड़ यही पूरी फ्री नगे कामयाब रहेगा महाराज भाव छोड़ो पहली बात तो परना मिले अच्छा और ना मिलो और मिली जाओ ना मिलो फिर क्या होगा तो 10.5 साल के दो करे आने खामोश हिंदू धर्म क्षत्रिय धर्म एक ही बार कन्यादान होता है तुम्हारा कन्यादान नहीं होता है तुम्हारा थरेजा होता है बात सही है कि मैं दो दुनिया में बताओ एक किलो बड़ा चलिए एक किने घर हमारे फिरे हो एक किने घर हम हो चो महाराज सही है कोई परेशानी है तुम्हें परेशानी क्या है मेरे लिए फिर ये ऐसी बात क्यों कर रहे हो परेशानी कुछ नहीं है आप जाइए और लड़का ढूंढ कर आइए आप बैठिए चिंता न मत करें बहुत अच्छे लड़की के लिए लड़का जो जोड़ को ढूंढ के आंग बहुत अच्छे आप बैठो ठीक है जाइए फिर चले भैया लड़का ढूंढेंगे मिलो तो मिल जाएगा ना पर लौट के ना आएंगे पांच को नंबर को टुकू हमारी हुई आ जो लेके रे चिट्ठिया नारी ब्राह्मण चाहे रहे रे बंगाली और नाई
गए सिक्का पड़त है धनमान जी के तो फूल के को बार लड़ाई देखत है तो फौरन नीचे को लटक जाते है फटका लगा के मार ढक्का पर घर से भगा देते है। आज एक सामने बावनगर भूमि एक शहर रह गया कौन सा महान वो शहर नरबर रह गया। चले एक शहर रह गया इसमें देखते हैं कोई लड़का मेरा तो ना हमारी तो कुटकू होगी आज चलते जान है गए नई ब्रह्म शहर यरे और दोनों पहुंच रे बानर भर के दरबार में है कोई? अरे आप कौन हो कहां के रहने वाले हो? महाराज जय शंकर की। जय शंकर। महाराज शादी को सिक्का लाया बंगाल से आए संगलदीप से आए। हाँ हमने सुना है कि आपके कोई लड़का है। हाँ लड़का है मेरा किशनलाल। किशनलाल कैसा लगो? लड़का 20 साल का है। कहाँ पर है वो? कहाँ पर है वो? 20 साल को बताओ ना काम पड़ेगा 20 साल होने लगा। शादी करोगे? बिल्कुल शादी करने को तैयार। तो मैं लिखा रहा हूँ चिट्ठी तुम पढ़ो। क्या हम चिट्ठी आपके पास हम पढ़ेंगे क्या चीज? ठीक है चिट्ठी अपने हाथ में और मुझसे कह रहा है पढ़ो। अरे मुझे पढ़ के सुनाइए।